नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है दोपहर के फटाफट खबरों का। जॉर्डन में नजरबंदी के बाद पहली बार दिखे प्रिंस हमजा, किंग अब्दुल्ला के साथ आए नजर। सुप्रीम कोर्ट के करीब आधा कर्मचारी हुए कोरोना संक्रमित, 9 माह बाद दोबारा अपने घरों से सुनवाई करेंगे जज। बढ़ते कोरोना को लेकर भारत में रूस की तीसरी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी को मंजूरी देने के लिए एक्सपर्ट कमेटी की बैठक शुरू। बंगाल में बोले पीएम मोदी, दीदी की करवाहट, उनका क्रोध, उनकी बौखलाहट बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि बंगाल में हुए आधे चुनाव में आपने टीएमसी को पूरा साफ कर दिया। कोरोना के कारण शेयर बाजार में आई भारी गिरावट, सेंसेक्स 1885 से ज्यादा टूटा, निफ्टी 14,000 के बीच। महाराष्ट्र में लॉकडाउन को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे की अजीत पवार के साथ हो रही है अहम बैठक, जल्द लिया जाएगा निर्णय। मोदी की तारीफ के बाद प्रशांत किशोर अब ममता बनर्जी की नैया पार लगाने के दावे कर रहे हैं। आपको बता दें कि बंगाल चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने कहा है कि बीजेपी को 100 या उससे ज्यादा सीटें आई तो वो चुनावी रणनीतिकार का काम छोड़ देंगे। फिर आई सोने चांदी की कीमतों में गिरावट, सोना 46,544 रुपए प्रति 10 ग्राम तो चांदी 66,796 रुपए प्रति किलो बिक रही है। यूपी पंचायत चुनाव में ट्रंप कार्ड साबित होंगे परदेशी वोटर, गांव लौटे मजदूरों की भूमिका होगी अहम। 14 अप्रैल को घोषित होंगे आर्किटेक्चर प्रवेश परीक्षा के नतीजे, वास्तुकला परिषद ने जारी की तारीख, अधिक जानकारी के लिए nata.in पर देखें। राजस्थान के वारा में सांप्रदायिक तनाव के बाद लगाया गया कर्फ्यू, इंटरनेट सेवा भी की गई बंद। बांदा जेल से मुख्तार अंसारी की मोहाली व लखनऊ कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई, लखनऊ के जेलर तथा डिप्टी जेलर को धमकाने का है मामला। 7 दिनों में पटना में 3 गुना बढ़ी कोरोना मरीजों की संख्या, पिछले 24 घंटे में 1382 कोरोना मरीज मिले। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने की अहम बैठक, लिए कई बड़े फैसले। सोनू सूद करेंगे कोरोना टीकाकरण के लिए प्रेरित, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बनाया ब्रांड एम्बेसडर। हरियाणा में टीका महोत्सव के लिए 1627 नए वैक्सीनेशन केंद्र बने, अब तक 24 लाख लोगों को लग चुके हैं वैक्सीन। हरिद्वार में सोमवती अमावस्या पर कुंभ के पहले शाही स्नान की शुरुआत निरंजनी अखाड़े के साधु संतों के स्नान से हुआ। लालू यादव को 3 साल तक नहीं मिलेगी जमानत, सीबीआई के नए दौ से सिब्बल जैसे दिग्गज वकील भी हुए परेशान। एमपी में टीका उत्सव के पहले दिन 3,80,000 लोगों को लगा कोरोना वैक्सीन। हरभजन सिंह ने आईपीएल में बतौर स्पिनर सबसे ज्यादा बार की है पारी की शुरुआत, डेब्यू मैच में फेंका था पहला ओवर। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए बप्पी लहरी, कोविड-19 के चपेट में आने के बाद आईसीयू में थे भर्ती। तो ये थी मिडडे की फटाफट खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।